तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप सिंह में। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू कर रहे होंगे, कंपैरिजन कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने मेरे से कंपैरिजन बहुत ज्यादा मांगे हैं और कंपैरिजन सीरीज की ये एक वीडियो है। एलन का और फिटजी का दोनों ही काफी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन हम इनका एक कंपेरिजन करेंगे, फेयर कंपेरिजन, ठीक है, जिससे आपको पता चले आपको किस में जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं सबसे पहली इन लोगों के कंपैरिजन की कि इन दोनों कोचिंग्स के अंदर किस तरह के बच्चा जा सकता है, तो 9th 10th 11th 12th बच्चों को ये लोग पढ़ा रहे होते हैं। एलएन 6th 7th 8th का प्रोग्राम भी चला रहा होता है, ठीक है जी। अब मेनली बात करें कि कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे हैं तो ITJEE NEET। मुद्दे की बात पे आते हैं, तो मुद्दे की बात पे क्या मुद्दा है कि भाई जो हमारा फिटजी है ना, ये तो केवल ITJEE वाले बच्चों को पढ़ाता है, और एलन की बात करें दोनों को पढ़ाता है, लेकिन एलन का नाम पहले जो था केवल मेडिकल के लिए जाना जाता था, फिटजी का आज भी ITJEE के लिए जाना जाता है, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे एलन की, तो एलन में इंजीनियरिंग के लिए भी बच्चे वहां से सिलेक्ट होते हैं, अच्छे खासे टॉप रैंकर एलन निकाल रहा होता है। लेकिन वहीं पर एलन का नाम कुछ टाइम पहले तक नहीं था, रेजो के डाउनफॉल के बाद एलन का नाम ITJEE के लिए काफी उठ गया है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। पहले था, चॉइस थी रेजो या एलन, बच्चे ऐसे चूज करते थे, लेकिन आज के टाइम में एलन द मोशन चूज होता है और एलन का नाम काफी ज्यादा ऊपर है, ठीक है जी। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन है। अगर मैं इससे आगे बात करूं कि कोचिंग्स हैं कहाँ कहाँ पर, मेनली कहाँ कहाँ पर हैं, तो अगर बात करें हमारे प्यारे फिटजी के बारे में, तो ये मेनली आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, पूरे इंडिया में इसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन हेड ब्रांच जो है वो दिल्ली के अंदर है। वहीं अगर मैं बात कर लूं आपके एलन के बारे में, तो एलन मेरे भाई, एलन आप लोग को कोटा में देखने को मिलता है, अब दिल्ली के अंदर भी इन लोगों ने अपनी कोचिंग खोल ली है, ठीक है, लेकिन दिल्ली में भी भैया नए नए हैं, अब ये कोटा के शेर हैं, देखते हैं दिल्ली में कैसा परफॉर्म करते हैं, जाएंगे हम वीडियो जरूर बना के लाएंगे, वहां से बताएंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फीस एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों के लिए, तो मेरे भाई अगर मैं एलन की फीस की बात करूं तो 1.5 लाख के आसपास होती होती है, वहीं अगर फिटजी की फीस की बात करूं तो 2.5 लाख तक पहुंच रही होती है, लेकिन 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 दोनों की फीस महंगी है क्योंकि 1 लाख से ऊपर है, लेकिन कितने लेकिन भैया सुनो तो सही मेरे भाई, बच्चों ने कमेंट करके मेरे को जो बताया है कि भैया फिटजी के अंदर ना हमारी 2 साल की फीस 65,000 रुपये होगी, 65,000 तक होगी स्कॉलरशिप की एलन के, लेके ऐसे मेरे को कमेंट्स नहीं आए, आए भी हैं तो एक दो आए हैं, तो आप देख सकते हैं फिटजी में आप लोग को स्कॉलरशिप के बेस पे अच्छी खासी स्कॉलरशिप दे दी जाती है, तो टेस्ट जरूर दें, ज्यादा जानकारी चाहिए इनबॉक्स में मिल सकती है, ठीक है, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उससे भी बात कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भैया ये ठीक है, लेकिन फैकल्टी कहाँ की अच्छी है, फैकल्टी दोनों जगह काफी अच्छी पाई जाती है, ठीक है, एलन के भी मेरे दोस्त हैं, फिटजी के भी मेरे दोस्त हैं, फिटजी वाला दोस्त जो था मेरा वो ये बोलता था कि उसके यहाँ जो टीचर हैं वो थोड़े एज में थोड़े कम थे जो उसे पढ़ाते थे, मैं ये नहीं कह रहा पूरी फिटजी में ऐसी होंगे, थोड़े से यंग टीचर इधर ज्यादा थे, इधर थोड़े यंग टीचर कम हैं, एलन के अंदर एक्सपीरियंस टीचर की संख्या कंपेरेटिवली फिटजी के ज्यादा देखने को मिलती है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो पढ़े हुए बच्चों से मेरे को पता चला, मैंने आप लोग के आगे आगे रख दिया, अगर आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, ठीक है। अगर बात करें डाउट काउंटर्स के बारे में कि हमारे डाउट जो होंगे भैया वो कहाँ सॉल्व हो रहे होते हैं, तो मेरे भाई दोनों जगह ही आपके डाउट्स को अच्छे तरीके से इंपोर्टेंस दी जाती है और सॉल्व करा जाता है, लेकिन वहीं एलएन के अंदर सेपरेट डाउट काउंटर्स हैं, जो कोटा का एक पर्टिकुलर सिस्टम है कि डाउट काउंटर्स कोचिंग्स में होते हैं, एलएन में भी हैं और भर भर के, फिटजी के अंदर ऐसा देखने को ज्यादा नहीं मिलता है, डाउट सॉल्व होते हैं, आप टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली डाउट काउंटर भर भर के डाउट काउंटर बहुत सारे डाउट काउंटर आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये चीज अगर आप लोगों के लिए फैक्टर है ये, तो ये है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि इनके डिटेल रिव्यू क्या हो सकते हैं, तो ये फिटजी का रिव्यू है, जाके देख सकते हो, और ये एलन का रिव्यू है, दोनों के मैं रिव्यू कर चुका हूँ और काफी आप लोगों ने इन्हें प्यार दिया है, अच्छी वीडियोस हैं, फ्रेश वीडियोस हैं, तो प्लीज जाके देखें, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, क्या कुछ चेंज कर सकता हूँ प्लीज मेरे को बताएं, ठीक है जी, बाय बाय, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।